हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दाराध्याम ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भेज दिया है स्कूल, थोड़ा गला ख़राब हो गया है। कल लेट नाइट में अपने घर से गई थी, थोड़ा मार्केट का काम था, जिसकी वीडियो शॉर्ट वीडियो या जिसकी मिनी वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगी। थोड़ा सा मार्केट का काम था तो मैं घर से गई, बाहर जाना पड़ा तो थोड़ा गला ख़राब हो गया है। हाँ, तो आराध्य चला गया है स्कूल का इस, और पतिदेव अभी हैं सो रहे, देख सकते हैं। ये लेट तक इसलिए सोते हैं गाइस क्योंकि ये लेट नाइट तक काम करते हैं। सुबह 4-3.30 बजे के करीब ही आकर सोए हैं, तो इस वजह से मैं आपसे इतना धीरे धीरे बात कर रही हूँ। चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको अपना छोटा सा मंदिर। तो ये है मेरा मंदिर का एरिया, ठीक है, काफ़ी बड़ा है। और ये है मेरे भगवान जी, ये है माँ दुर्गा ठाकुर जी, पीछे सरस्वती माता हैं और इधर बजरंगबली बाबा हैं, लक्ष्मी गणेश जी हैं और पीछे। तो मुझे गाइस न्यू मंदिर ख़रीदना था, जो कि मैं अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था, मेरे हस्बैंड को भी, वो भी बिजी हैं तो नहीं ख़रीद पाई। सोच रही हूँ नवरात्रि में ही या नवरात्रि के लास्ट तक या फिर दिवाली से पहले पहले मैं कैसे भी ख़रीद लूँ, क्योंकि मेरे को मंदिर का बहुत क्रेज़ है। गाइज ये मंदिर जब मैंने लिया था तो उस टाइम मैं सिर्फ एक सिंगल रूम में ही रह रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये डिज़ाइन करके घर पर ही बनवाया था ये उसे कारपेंटर से। तो अभी मैं दूसरा ले सकती हूँ, तो इस वजह से मैं अभी काम चला रही हूँ। फिर मैं ये अपने पापा के यहाँ पहुँचा दूँगी, वहाँ रह जाएगा, कभी कोई रेंटर्स आते हैं तो उनके रूम में ये काम आ जाएगा। तो गाइज अब मैं करने जा रही हूँ पूजा, और पूजा की तैयारी मेरी लगभग मैंने कर ली है, मेरी प्लेट भी तैयार है। और अग्यारी के लिए मैं कर रही हूँ दुर्गा सप्तशती का पाठ, तो मेरे उसके 2 अध्याय खत्म हो गए हैं। गाय सबसे पहले पढ़ती हूँ मैं दुर्गा कवच, दुर्गा कवच के बाद में मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, कोई अध्याय लेती हूँ। मतलब अब मैं आज है तीसरा नवरात्रि का तीसरा दिन है गाइज आज। तो आज प्रथम माता शैलपुत्री होती है, दूसरी ब्रह्मचारिणी होती है, तीसरी होती है चंद्रघंटा माता। तो आज है चंद्रघंटा माता का दिन, तो आज मैं पढ़ूंगी 3rd अध्याय, उसके बाद में पढ़ूंगी मैं 40, चालीसा के बाद में मंत्र पढ़ के उसके बाद में मैं आरती कर लेती हूँ। बस ये करके फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में गाइस, तब तक के लिए बाय। तो जनाब जी उठ चुके हैं, उठने के बाद उन्होंने नाश्ता भी कर लिया है और अब जाने का टाइम हो रहा है उनके ऑफिस। तो मेरा बन रहा है खाना, तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा मैं आज की वीडियो में इनको ले लेती हूँ। तो हेलो कर दूँ मेरे व्यूअर्स को, हेलो गाइस। और उसके बाद में इनको भेजने के बाद में इनको भेजने गया, भेज भी नहीं पाऊँगी जब तक आराध्य आ जाएगा। मैं वो आएगा तो उसको नहलाना, उसके ड्रेस चेंज करना, सारे ये काम करके उसको खिला पिला के, मतलब 2 घंटे पूरे मेरे बिजी हो जाएंगे। तभी जेंट्स लोग बोलते हैं कि लेडीज़ के पास काम ही नहीं है, तुम लोग पूरे दिन करते क्या हो गाइस हैं? तो नित्या ने ऐसा बोला आपको? देखो ऐसे ऐसे मार रही थी, तो आप मना कर देते ऐसे ऐसे बोल रही थी। आ जाओ लाओ बैग दो मुझे, लाओ वाटर बॉटल अंदर है, आ जाओ। कोई बात नहीं, छोटी बच्ची है ना, वो ऐसे थोड़ी ना गुस्सा करते हैं। चलो शूज निकाल दो, शूज निकालो, बैग दे ही नहीं रहे हैं।